ओ माशाल्लाह, धुएं चेक करें इसके, क्या कमाल के धुएं निकल रहे हैं ये देखें। माशाल्लाह इसकी लेयर चेक करें, इस चीज़ की लेयर बहुत ज़्यादा है इसमें। ये देखें कितना, इसको मैं ऊपर और जितना मर्जी कर ले, ये बबल वाला हिसाब है, इसको जितना मर्जी खींच ले अभी भी गर्म है, धुएं अभी भी इसमें से निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कि आप थोड़ी सी लेंगे इस पर ये वाली केचप सॉस, तो इसके साथ इसको करते हैं जी ट्राई। बिस्मिल्लाह, टू मच यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज मैं मौजूद हूँ जी लाहौर के इलाके इछरे में। यहाँ पे हम आज एक यूनिक किस्म की एक चीज़, यूनिक किस्म की एक वैरायटी ट्राई करेंगे। वैसे तो आपने मटका बिरयानी, मटका चाय, मटका दाल चावल बहुत ज़्यादा ट्राई किए होंगे। आज आपको मैं ट्राई करवाऊँगा जी मटका पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला है पिज़्ज़ा है। मटका पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान, बहुत ज़्यादा रश बना रहता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इनका पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए। तो चलते हैं, चल के ट्राई करते हैं जी इनका मटका पिज़्ज़ा, और आपको टेस्ट बताते हैं इनका मटके पिज़्ज़े का टेस्ट कहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी पहुँचे। शुक्रिया। तो जी चलते हैं भाई के पास, भाई से लेते हैं इसका रिव्यू, पूछते हैं इसका रेट और इसकी बनाने की वजह, मटका पिज्जा बनाने की वजह क्या है। तो चल के पूछते हैं जी भाई से, इसका लेते हैं मटका पिज्जा का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद गुलाम मोहम्मद। मटका बिरयानी सुना था, मटका चाय सुना था, मटका दाल चावल सुना था हमने, मटका पिज्जा ये एक यूनिक चीज है, ये आपके माइंड में इसका आइडिया कब आया और कैसे आया इस चीज का? लेकिन उसमें होता ही है कि इनोवेशन की जगह जो है ना गुंजाइश हर जगह पे होती है। जी जी। तो अल्लाह ताला ने जो मट्टी है ना उसमें बड़ी जो तासीर रखी हुई, तो बस ये था कि नए से नया करने का था, वो बस ट्राई किया तो अल्लाह ताला ने उसमें इज्जत दे दी, कामयाबी दे दी, अल्लाह ताला देने वाला। बेशक जी, अल्लाह ताला ही कामयाबी देता है। अच्छा गुलाम भाई, मुझे ये बताइए ये मटका ट्राई करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या रिस्पांस देते हैं लोग इस मटके को ट्राई करने के लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, मंडी बाउद्दीन से, इधर इवन डिफेंस शादरा वाली साइड, अच्छा साइड, बहुत रेगुलरली हमारे पास कस्टमर आते हैं। माशाल्लाह, तो रिस्पांस क्या देते हैं कस्टमर इसका मटके का, मटके पिज्जे का? बात यह कि बिल्कुल यूनिक चीज है, लोगों को जो मतलब खाने वाला फूड लवर है वो बड़े लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा सराते हैं और वापस रिपीट भी करते हैं। साइजेस तीन साइज हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज पिज्जा, हमारा टिक्का फजीता बारबेक्यू है जी जी, एक मलाई बूटी कबाब लजानिया है और एक स्पेशल वेज। अच्छा फ्लेवर के हिसाब से रेट है इन पे? ये बाहर हमने जो डिस्प्ले किया है आप उसका ले सकते हैं उसमें जी। ठीक हो गया। अच्छा आपका जो फेमस फ्लेवर है वो कौन सा है? हैप्पी डेटा स्पेशल जो है वो काफी लोग पसंद करते हैं, बाकी जो है बेस फ्लेवर है टिक्का फजीता और बारबेक्यू लजानिया, और वो जो जिसको पसंद आती है सर वो तो अपनी अपनी पसंद की बात है ना। अच्छा तो आज आप हमें कौन सा ट्राई करवाएंगे? आप स्पेशल ट्राई करें। चले ठीक है, आप हमारे लिए एक स्पेशल लगवाए। तो जी ऑर्डर हमने दे दिया मटका पिज्जा का, मटका पिज्जा के हवाले से भाई कह रहे थे हमारे पास जो स्पेशल है ना वो आपको ट्राई करवाएंगे, वो आप ट्राई करें उसका रिव्यू आप हमें दें। तो ट्राई करते हैं तो आपको फिर आपको मटके पिज्जे का रिव्यू देते हैं कि क्या सा टेस्ट है मटके पिज्जे में, तो लोगों का माशाल्लाह यहाँ पे रुझान हुआ है। तो करते हैं जी अपने ऑर्डर का वेट। जी मेरे साथ एक भाई मौजूद है जैन भाई, बहुत ही प्यार के काबिल है माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई है। तो ये भी ना माशाल्लाह यूट्यूब अकाउंट एक रन कर रहे हैं, एक नहीं माशाल्लाह दो तीन अकाउंट पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की वीडियोस बनाते हैं वहाँ पे, मीडियाज के हवाले में हर तरह की इनके पास वीडियोस आती है। तो आपके साथ इनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैन भाई आपका तो जो चैनल है वो तो फूड के मुतल्लिक नहीं है, तो आप यहाँ पे आज किस तरह? उसकी वजह यह है कि हमारे जो जितने नाज़रीन देखने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हमें डिफरेंट चीज़ें लेके आए हमारे लिए। अच्छा अच्छा। और वो ये कहते हैं कि हम न्यूज़ सुन सुन के पक चुके हैं, तो अब हम मजीद पकने के बाद कुछ खाना चाहते हैं, तो हमें कुछ खिलाएं। हाँ बिल्कुल, जहरी सी बात, वो चाहते हैं कुछ नया हो हमारे लिए, तो आप इसलिए आज फूड पे आए, फूड पे आए, फूड। और इससे पहले भी हमारी कोई वीडियोज बन चुकी है फूड पे। अच्छा जैन भाई मुझे ये बताएं, ये जो मटका पिज्ज़ा ट्राई कर रहे हैं आप आज, इसका आपको कैसे पता चला? हमारे एक दो दोस्त हैं वो भी माशाल्लाह यहाँ पर आके इनकी वीडियोस बना के गए हैं, उन्होंने हमें रेफ़र किया कि आप एक दफ़ा लाजमी जाएँ उनका टेस्ट करें और उनको एक दफ़ा उनकी वीडियो बनाएं, ताकि जितने लोग उनके पास आते हैं वो माशाल्लाह एक अच्छा टेस्ट रखते हैं। अच्छा टेस्ट।
जैन भाई, इनके चैनल का नाम आपको ये खुद बताएंगे। हमारे चैनल का नाम है नाज़रीन ZA इन्फो चैनल। आप इस चैनल को लाजमी जाएं, जाके विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें और पूरे मुल्क के हालात उस चैनल के ऊपर मौजूद है। हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद है, तो आप जाएँ और जाकर उसको ज़रूर विजिट करें। लेकिन इस वक्त आप हमारे बिलाल भाई के साथ लाजमी अटैच रहें, चूँकि ये हमारे बिलाल भाई बहुत काबिल एहतराम है, इज़्ज़त वाले हैं, और इन्होंने जितनी फूड के ऊपर बनाई है, बल्कि हम इनसे गाइडलाइंस ले रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ गए हैं, अब इंशाल्लाह हम भी वहाँ वहाँ जाएँ इंशाल्लाह। ये इनसे ही कलवाने का मतलब मकसद ये था कि ये अपने चैनल के मुतालिक खुद बताएं, क्योंकि मेरा तो आपको पता है फूड के मुतालिक काम था, तो वो मैंने आपको बताया। जैन भाई ने भी आपको रेकमेंड किया, तो जैन भाई ने आपको अपना भी बताया, तो जैन भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जो हमने ऑर्डर किया था मटका पिज़्ज़ा, वो हमारे पास आ चुका है। ये राजी मारा मटका पिज़्ज़ा, फायर पेपर लगा के ना इसको बहुत अच्छा सा इन्होंने बंद किया हुआ है कि ये ठंडा ना हो जाए, तो इसको करते हैं जी ओपन। ओपन करके तो आपको बताते हैं जी इसका टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मटका बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ओ माशाल्लाह, धुएँ चेक करें इसके, क्या कमाल के धुएँ निकल रहे हैं। पेपर जो है ना, पेपर इसके साथ चिपका भी हुआ है, वो मैं उंगली पर इसका धुआँ पर है, बहुत ज़्यादा गर्म है। माशाल्लाह, ये चेक करें जी, ये आ गया जी हमारा मटका पिज़्ज़ा। लुक देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके आपको इसका मटके का जो पिज़्ज़ा है ना, आज मटका खाने का मकसद भी आपको बताते हैं और इसका टेस्ट भी बताते हैं। तो करते हैं जी बिस्मिल्लाह। ये ऊपर ऐसे जैसे देसी घी का तड़का लगाया हुआ है। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, चीज़ की लेयर चेक करें, इतनी सॉफ्ट चीज़ है अभी। और धुएँ चेक करें, ये तकरीबन मेरे पास आए हुए इसको तकरीबन 5 मिनट तो ही गए, तो अभी तक गर्म है। धुएँ चेक करें इसमें, इसकी लेयर आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। आज पिज़्ज़ा मटका खाने का जो मकसद है ना, मेन मकसद वो ये है, इसकी लेयर बहुत मज़ेदार है। अब जो इन्होंने चीज़ें इंक्रीड की हैं इसमें, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता था, वो शेयर नहीं की, आपको खा के टेस्ट ही बता सकता हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। भाई जान गर्म बहुत है, ये ना हो कोई मसला हो जाए। इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, देखें लेयर चीज़ बहुत ज़्यादा डाली हुई इसमें, चीज़ी है, ये इनका स्पेशल है, वो करते हैं इसको ट्राई। गरम बहुत है माशाल्लाह, ये अभी भी माशाल्लाह। आम पिज़्ज़ा जो है ना यार, टेस्ट तकरीबन उसके पास पास है, पर उससे प्लस है। पास पास होने का मकसद ये है कि पिज़्ज़े का टेस्ट है, पर ये जो इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है ना, और मटका मिट्टी जो होती है ना, इसमें शफाफ होता है अल्लाह की तरफ से, तो फिर जो चीज़ मिट्टी में बनी हो, आपको वो याद होगा पुराने वक्तों में गांव में बनती थी मिट्टी के बर्तनों में, तो उसको खाने का ज़हन भी अलग मज़ा होता था, उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता था। माशाल्लाह ये भी मटके में मटका बिरयानी भी बहुत मज़ेदार थी, ये भी बहुत। तो ज़हन भाई रिव्यू ले रहे हैं, ज़हन भाई से रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं इसका टेस्ट जी। नाज़रीन, अब आप व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमें, मैं भी अब आपको टेस्ट लेके दिखाता हूँ। बिलाल भाई ने तो खा लिया जी। जैन भाई मज़ा आया? टू बी ऑनेस्ट, ओ वाह, बहुत ज़बरदस्त। क्या डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप इसमें? ले ना, पकड़े मैंने नहीं पकड़े इसको आप ले, ये देखें माशाल्लाह, इसकी लेयर चेक करें, इस चीज़ की लेयर बहुत ज़्यादा इसमें, ये देखें कितना, इसको मैं ऊपर और जितना मर्जी कर ले, ये बबल वाला हिसाब है, इसको जितना मर्जी खींच ले, ये लेयर बहुत ज़्यादा है। तो जैन भाई क्या डिफरेंस नज़र आया कुछ ने अभी तक मैंने टेस्ट की है, मुझे ये सबसे बेहतरीन टेस्ट है। अच्छा लगा आपको टेस्ट? बहुत ज़्यादा। तो ये जी इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, तो फिर जाके ये एक आपके हिस्से में एक बाइट आती है। तो आप हमारे ऑडियंस को इतना ज़्यादा दिखाएंगे, तो मुझे लगता है वो नीचे कमेंट्स में कहेंगे कि बिलाल भाई बस करें, अब ये ना हो कि हमें जाके ऑर्डर देना पड़े। मैं तो कहता हूँ ना कि आए देखिए ना, चीज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह। जो चीज़ी लेयर थी ना, वो माशाल्लाह शुरू में स्टार्ट में बहुत थी, अब नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, नीचे जो ना चीज़ी लेयर तो ख़त्म होगी, साइडों पे चीज़ी लेयर लगी हुई है अभी भी। ये चेक करें, चीज़ी लेयर अभी भी साइडों पे है, पर नीचे जो है ना, नीचे चिकन बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। चेक करें भी, चिकन चेक करें इसमें, चिकन इसमें चिकन है। ये एक दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। अब मेरे कुछ भी याद, ये देखें, ये इसको उर्दू में सिट्टा भी कहते हैं, इसमें सिट्टे भी डाले हुए हैं, और इसमें जैलोपिनो है, एलोपिनो है, उन्हें बता रहे थे कि मसाले भी हैं, पर ये है कि ये अपनी रेसिपी जो है ना शेयर नहीं थे कर रहे, तो अपनी किचन में जाने की इजाज़त नहीं थी आज हमें, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का बहुत ज़्यादा रुझान था, रश था, तो पिज़्ज़े को फिर हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या क्या ऐड किया उन्होंने। बिस्मिल्लाह, ये होती है जी हमारी बम बाइट। ये देखें आप, चेक सीन चेक करें कि कितना गर्म है, अभी भी गर्म चेक करें, ये देखें माशाल्लाह अभी भी गर्म है, धुएँ अभी भी इसमें से निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, कि आप
सीन देखें कि अभी तक ये जो मटका है ना हमारा गर्म आ रहा है। बिस्मिल्लाह, मैं अभी मटका ट्राई कर रहा था तो मैं मुझे किसी चीज़ की ना कमी फील हो रही थी यहाँ पे, तो वो मुझे पता नहीं चला, वो कमी थी ये कैचअप। ये थोड़ी सी लेंगे इस पर, ये वाली कैचअप सॉस, तो इसके साथ इसको करते हैं जी ट्राई। बिस्मिल्लाह रहमान। टू मच यार, वाकई मज़ेदार है यार। इनका चिकन भी अच्छा है और ये जो पिज़्ज़े का चिकन है ना ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें अंश भाई भी यूज़ कर रहे हैं। अंश भाई इसकी स्माइल चेक करें, माशाल्लाह करें ना, क्या हुआ है क्या हुआ है, करें ट्राई। अंश भाई पिज़्ज़ा ट्राई करने लगे, मटका पिज़्ज़ा यार आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। इसको हाथों से ऐसे ऐसे ना, हाथ ऐसे ऐसे करें, हाथ ऐसे ऐसे करें फिर आ जाएगा। अंश भाई ट्राई कर रहे हैं, अंश भाई के हाथ तो आ ही गया आखिरकार पिज़्ज़ा जी। अंश भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा ऊंची बोल रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं पैनाडोल नहीं खा रहे भाई, टेस्ट इतना बोला ही नहीं जा रहा मैं उसके टेस्ट में मगन हो गया हूँ। वाह, अंश भाई भी ट्राई कर रहे हैं। अंश भाई कह रहे हैं टेस्ट इतना अच्छा है माशाल्लाह कि मेरे से बोला नहीं जा रहा। इनके कहने का मतलब है कि गर्म ही बहुत है कि बोलना कुछ नहीं जा रहा। तो माशाल्लाह जी मटका पिज़्ज़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ, गर्म गर्म खाने का इसको मज़ा है, ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको खाने के बाद। ये जी माशाल्लाह कुछ इनकी प्रेजेंटेशन है, रूफ टॉप पे है, रूफ टॉप पे बैठ के आप यहाँ पे पिज़्ज़ा मटका जो है इंजॉय कर सकते हो। मैं यहाँ पे रूफ टॉप पे आया हूँ, माशाल्लाह यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, धीमी धीमी सी, बहुत मज़ेदार। तो यहाँ पे हम कुछ भैया यहाँ पे ना बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए हैं माशाल्लाह। ये एक दो तीन चार पांच भाई हैं, चार ही हैं, एक भाई हैं माशाल्लाह। ये भाई की बर्थडे चल रही है यहाँ पे, ये केक पर हुआ है, तो सेलिब्रेशन करें ना, करें स्टार्ट। भाई की बर्थडे है माशाल्लाह, भाई ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। ये माशाल्लाह भाई जान सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, बहुत लाइट धीमी धीमी सी हवा चल रही है, मज़ेदार सा मौसम बना हुआ है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करने के लिए और हमारे भाई आए हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह आदम ने खा रहे, बहुत बहुत मुबारक हो भाई जान आपको, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, ज़िंदगी करे। तो माशाल्लाह लोग यहाँ पे आ रहे हैं मटका पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए और यहाँ पे भाई आए हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप पिज़्ज़ा भी ट्राई करेंगे? यस, बिल्कुल, नीचे ऑर्डर दिया हुआ है, अभी आ रहा है कुछ देर। अच्छा माशाल्लाह, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया हुआ इन्होंने, पिज़्ज़ा अभी बनने में टाइम है जिस वजह से इन्होंने अपनी बर्थडे ही पहले सेलिब्रेशन कर ली। माशाल्लाह मटका पिज़्ज़ा जो हमने ऑर्डर किया था वो आया और फट 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 जो है ना हमने खाया और ख़त्म भी हो गया है। ये देखें जी, ये हमारा खाली मटका बच गया, कुछ इस तरह का हमने हाल किया है मटके का। तो खैर मटका जो है ना बहुत मज़ेदार था, मटका पिज़्ज़ा एक अलग चीज़ थी, बहुत मज़ेदार था। ये इनका जो फ्लेवर था ये स्पेशल फ्लेवर था इनका, इसका नाम भी स्पेशल है, अच्छा था मटका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। तो खैर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मटका वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह ताला आपके रिस्क जान माल इज़्ज़त में बरकत दे, अल्लाह देगा।